नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूँ आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एमआई ग्रुप पर आयकर विभाग की छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ, जहां 5 करोड़ की नकदी और 150 करोड़ के घोषित लेन देन का खुलासा हुआ है। पूर्व आईएएस राकेश बहादुर और बिल्डर कादिर अली से पूछताछ हुई। अवैध फंडिंग और टैक्स चोरी के मामले में छापेमारी की गई, अन्य क्षेत्र में निवेश को लेकर भी पूछताछ की गई। करीब 200 करोड़ की जमीन गलत तरीके से हथियाने की शिकायत है। एमआई ग्रुप के खिलाफ सुल्तानपुर रोड पर जमीन हथियाने का भी आरोप है। शिकायत के बाद मामले की शुरू हुई तो जांच और एमआई ग्रुप के लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर के 16 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। अब वहीं राकेश बहादुर के घर से कई बेनामी निवेश के भी कागजात मिले। यूपी और महाराष्ट्र के कई सपा नेताओं के भी एमआई ग्रुप में निवेश के सुराग आयकर विभाग जल्द पूछताछ के लिए तलब करेगा। तो एमआई ग्रुप के लखनऊ और अन्य ठिकानों पर, बाराबंकी, सुल्तानपुर ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जहां यूपी और महाराष्ट्र के कई सपा नेताओं के नाम एमआई ग्रुप में निवेश के तौर पर सामने आया। आयकर विभाग जल्द पूछताछ के लिए तलब भी कर सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एमआई ग्रुप पर आयकर विभाग की छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है। तो 5 करोड़ की नकदी और 150 करोड़ के घोषित लेन देन का खुलासा हुआ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व आईएएस राकेश बहादुर और बिल्डर कादिर अली से पूछताछ की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां अवैध फंडिंग और टैक्स चोरी के मामले में छापेमारी की गई है। और करीब 200 करोड़ की जमीन गलत तरीके से हथियाने की शिकायत भी की गई। ये बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़ा घोटाला एमआई कंपनी के तरफ से की गई है, जहां सुल्तानपुर रोड पर कई शिकायतें दर्ज की गई। एमआई ग्रुप के लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर में केस दर्ज किया गया। इसी बीच एक और बड़ी खबर, जहां सपा और बसपा के कार्यकाल में खूब फल फूला। पूर्व आईएएस राकेश बहादुर सपा और बसपा के शासन में कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रहा है राकेश बहादुर, और बसपा सरकार में नोएडा में भूमि घोटाले को भी अंजाम दिया था इसी ने। तो हाईकोर्ट ने उस वक्त राकेश बहादुर वेस्ट यूपी के पोस्टिंग से दूर रखने को कहा गया था, और सपा सरकार आने के बाद नोएडा और शासन में महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती मिली थी। और एमआई बिल्डर संचालक से करीब 100 करोड़ के लेन देन का मामला भी इसके बाद राकेश बहादुर के खिलाफ सामने आया था। पूर्व आईएएस अधिकारी को मिलता रहा सपा और बसपा नेताओं का संरक्षण। ये एक बड़ा खुलासा, जहां इनकम टैक्स तलाश रहा है राकेश के पॉलिटिकल रिश्तों को, कहां कहां ये तार जुड़े हुए हैं, कहां पर कार्रवाई की जाएगी। इनकम टैक्स के छापे में बड़े खुलासे हो चुके हैं और कई खुलासे होना बाकी है। काली कमाई के पैसों के लेन देन के लिए होता था कोड भाषा का इस्तेमाल, और प्रोजेक्ट में निवेश करके काले धन को सफेद किया जाता था। तो हजरतगंज लखनऊ के निवासी धनप्रकाश बुद्धि राचा की शिकायत से पत्ते खुले। धनप्रकाश की शिकायत से प्रकाश में आ गया करोड़ों का काला धन। तो सपा और बसपा के कार्यकाल में खूब फल फूला पूर्व आईएएस राकेश बहादुर, जहां सपा और बसपा के शासन में कई महत्वपूर्ण पदों पर भी राकेश बहादुर रहा है। तो इनकम टैक्स तलाश रहा है राकेश के पॉलिटिकल रिश्ते। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके वाजपेयी, सबसे पहले राकेश बहादुर जो पूर्व आईएएस थे, उनको लेकर क्या जानकारी है, उनका क्या हिस्ट्री रहा है, क्या रिकॉर्ड रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर राकेश बहादुर एक काफी पावरफुल ऑफिसर रहे, हालांकि सपा सरकार में उनका काफी
सिक्का चलता था। उसकी वजह थी कि उत्तर प्रदेश का चाहे कोई भी विभाग रहा हो, हर बड़े विभाग में राकेश बहादुर का हस्तक्षेप रहा है। अगर हम 2012 से लेकर 2016 की बात करें, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उस दौरान नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे जैसी अथॉरिटियों के चेयरमैन रहे, लंबे वक्त तक इसको देखते रहे। हालांकि इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट को भी देखा, उत्तर प्रदेश के आईएएस एसोसिएशन के लगातार 2 बार अध्यक्ष भी रहे, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस दौरान राकेश बहादुर एक पावरफुल अफसर माने जाते थे और लगातार कहीं ना कहीं अपने पावर इस्तेमाल करके वो हमेशा उस विभाग में रहे जो विभाग कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में काफी मायने रखता है। हालांकि वो 2015-16 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव भी रहे। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो राकेश बहादुर एक बड़ा नाम है और कहीं ना कहीं जब 2012 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस दौरान उत्तर प्रदेश के हर महत्वपूर्ण विभाग में राकेश बहादुर का दखल रहा और इस दखल की वजह भी रही कि लगातार वो सीधे सरकार को रिपोर्ट कर रहे थे, सरकार के साथ में सीधा उनका सामंजस्य था, उस समय की सरकार के काफी विश्वासपात्र अफसर माने जाते रहे। हालांकि 2016 मई में उन्होंने विश्व बैंक के एडवाइजर के तौर पर अपना दूसरा जॉब ज्वाइन किया था, जब उत्तर प्रदेश सरकार से वो सेवानिवृत्त हुए। हालांकि इसके बाद वो जो एमआई ग्रुप है, एमआई ग्रुप में एडवाइजर के तौर पर ज्वाइन हुए और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किस आधार पर उनकी ज्वाइनिंग कराई गई, इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि इसको लेकर जो जांच एजेंसियां हैं वो पूरे मामले की जांच कर रही हैं। अब देखना यह है कि जब जांच इस पूरे मामले में जब जांच के रिकॉर्ड्स जो अभी तक एजेंसियों के पास हैं उनसे जो चीजें खुलासा हुई है, उनसे कई और ऑफिसर्स और कई और नेताओं से भी पूछताछ की तैयारी चल रही है और इस पूछताछ के बाद क्या कुछ निकल कर आता है ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। सीधे तौर पर एक निजी कंपनी में एडवाइजर के तौर पर एक मोटा भुगतान राकेश बहादुर को लगातार किया जा रहा था। हालांकि ये एडवाइजर के तौर पर भुगतान हो रहा था, लेकिन वजह यही है कि ऐसी कौन सी एडवाइस एमआई ग्रुप को राकेश बहादुर पूर्व आईएएस रहे हैं वो दे रहे थे और उसके बाद इतना बड़ा भुगतान एमआई ग्रुप की तरफ से किया जा रहा था। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिनको लेकर उत्तर प्रदेश का इनकम टैक्स विभाग कहीं ना कहीं अपनी जांच को आगे बढ़ा रहा है, लगातार इस पूरे मामले को लेकर अपनी जांच कर रहा है। देखना यह है कि इस जांच के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है जिसके बाद अपनी कार्रवाई को और आगे इनकम टैक्स बढ़ाता है। जी बिल्कुल, इसके बाद क्योंकि 100 करोड़ का मामला बहुत कम ये राशि नहीं है, ऐसे में इसके बाद क्या लगता है कि राकेश बहादुर के अलावा भी कई अन्य बड़े नेताओं का नाम सामने आ सकता है, कई अन्य चेहरे सामने आ सकते हैं, बेनकाब हो सकते हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से जो छापेमारी इनकम टैक्स विभाग की तरफ से एमआई ग्रुप के और साथ ही साथ उससे जुड़े हुए लोगों के जो लोग हैं उनके ठिकानों पर हुई थी, जिसमें लखनऊ, नोएडा, दिल्ली और साथ ही साथ जो एनसीआर के और भी जगह हैं जहां पर एमआई ग्रुप का कहीं ना कहीं जो बिजनेस है वो चलता है, उन सभी ठिकानों पर इनकम टैक्स ने एक साथ रेड की थी। हालांकि इस रेड में राकेश बहादुर करीब 20 करोड़ के विला में रहते हुए मिले, जिसका किराया महज 50,000 रुपए प्रति माह था। अब सवाल यही है कि इस विला को लेकर भी काफी चीजें आयकर की तरफ से तलाशी जा रही हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो जांच है वो आगे बढ़ रही, क्योंकि बड़े पैमाने पर ऐसे दस्तावेज भी राकेश बहादुर और साथ ही साथ एमआई ग्रुप के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी के दौरान मिले हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर कई आईएएस अधिकारी, कई आईपीएस अधिकारी, कई पूर्व अधिकारी और कई जो नेता हैं वो अपना निवेश इस ग्रुप में कर चुके हैं, उनके निवेश से जुड़े हुई चीजें भी लगातार इनकम टैक्स विभाग खंगाल रहा है। हालांकि जो दस्तावेज मिले हैं उसमें करीब 5 करोड़ रुपए कैश और 150 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के दस्तावेज इनकम टैक्स विभाग के हाथ लगे थे और इस पूरे मामले को लेकर अपनी जांच को लगातार इनकम टैक्स विभाग आगे बढ़ा रहा है और जो अभी तक खबर है उसमें उम्मीद है कि जल्द ही इनकम टैक्स विभाग की तरफ से उन नेताओं और अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा जिससे संबंधित दस्तावेज राकेश बहादुर या एमआई ग्रुप के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी के दौरान मिले। बिल्कुल, इसके बाद पे देखिए कार्रवाई तो लगातार जारी है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि राकेश बहादुर उस समय काफी ज्यादा फलफूल रहा था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब बसपा की सरकार थी। ऐसे में क्या ये कहना गलत होगा कि समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार में जो तमाम अपराधी है वो फलते फूलते हैं, उनको संरक्षण दिया जाता है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि सपा सरकार के दौरान कई ऐसे आईएएस और आईपीएस, उसके अलावा पीसीएस अफसर रहे हैं जो काफी
महत्वपूर्ण पदों पर रहे, उनमें से एक नाम राकेश बहादुर का भी था। क्योंकि राकेश बहादुर एक एक महत्वपूर्ण पद पर रहे, चाहे वो औद्योगिक विकास आयुक्त का पद रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के चेयरमैन का पद रहा हो, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव सीएम का पद रहा हो, इन सभी जगहों पर कहीं ना कहीं राकेश बहादुर का जो सिक्का था वो लगातार चलता रहा। ये सिक्का 2012 से लेकर 2017 तक जब तक उत्तर प्रदेश में सपा सरकार रही तब तक चला। हालांकि अपने रिटायरमेंट के बाद वो जरूर कहीं ना कहीं विश्व बैंक की योजना में एडवाइजर के पद पर चले गए, लेकिन उसके पहले काफी जो बिल्डर थे या जो बड़े कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके साथ उनका जुड़ाव रहा। यही एक वजह है कि सेवानिवृत्ति के बाद वो एमआई जैसे ग्रुप में एडवाइजर के पद पर ज्वाइन हुए, जिसकी एक खास वजह यही है कि कहीं ना कहीं संभवतः जो काली कमाई थी उसको एमआई ग्रुप में लगाने के बाद एक एडवाइजर के तौर पर पैसा लेते रहने से कहीं कहीं उसको सफेद बनाने का खेल चल रहा था, जिसको लेकर जो आयकर विभाग है इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। हालांकि जब अन्य अधिकारियों और नेताओं से भी पूछताछ होगी तब इन सारी चीजों को लेकर स्थितियां स्पष्ट होंगी कि आखिर क्या कुछ इस पूरे मामले की सच्चाई है और वास्तव में कितने और ऐसे नेता हैं जिनका पैसा इस ग्रुप में लगा है और एमआई ग्रुप का साम्राज्य आखिर कितना बड़ा है, कितने लोगों के काले धन को एमआई ग्रुप ने अपने साथ लगाकर सफेद किया है। ठीक है, इसके बस में तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।